नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव और मेरा यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो के जरिए हम जानते हैं SBI का ATM कार्ड का पिन नंबर कैसे जनरेट किया जाता है ATM के थ्रू। हम कभी भी नया ATM कार्ड मिलता है तो पहले क्या था, हम बैंक में चला जाते थे कार्ड को लेके और वहाँ से एक लिफाफा देते थे, उसके अंदर हमें ATM पिन मिल जाता था। बाद में उसको हमें सेंस करना पड़ता था, या तो ना भी करो उसी पिन से चल जाता था। लेकिन अभी जो भी ATM मिलते हैं तो आप अपने आप पिन को जनरेट करना पड़ता है, या तो मैसेज के थ्रू कीजिए, या तो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू, या तो ATM में जाके कीजिए, या तो IVRS द्वारा कीजिए। मैं इस वीडियो में ATM में जाकर कैसे ATM कार्ड का पिन जनरेट किया जाता है उसके बारे में दिखाने जा रहा है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। ATM जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपका हाथ में लेके जाना ज़रूरी है। जैसे ATM कार्ड चाहिए आपको, जो ATM कार्ड का पिन जनरेट करना है आपको, आपका अकाउंट नंबर होना ज़रूरी है और आपका मोबाइल नंबर जो होना ज़रूरी है जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, और मोबाइल उस सिम के साथ, उस मोबाइल नंबर के साथ जो मोबाइल है वो मोबाइल आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड मतलब एक ATM पिन आपका मोबाइल में मैसेज के थ्रू आएगा और बाद में उसे चेंज कर लेना पड़ता है। हम अभी ATM के अंदर चला जाते हैं। पहले ATM में कार्ड को घुसाते हैं और ये जो ऑप्शंस है ATM स्क्रीन के ऊपर आपको ऐसे दिखाई देगा, और सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पिन जेनरेशन, जो मैं लाल कड़ा से उसके बॉक्सिंग करके रखा हूँ। उस ऑप्शन में आप क्लिक कर दीजिए, आप टच कर दीजिए, फिर आपको ये ATM बोलेगा कि आपका जो 11 डिजिट का अकाउंट नंबर है उसे इसमें डालना पड़ेगा, और डाल के कन्फर्म में आप दबा दीजिए। फिर ये आपको बोलेगा 10 डिजिट का मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है, फिर कन्फर्म में क्लिक करना है। फिर एक मैसेज आपको डिस्प्ले करेगा, आपको कुछ समय के बाद एक पासवर्ड मतलब एक पिन आपका मोबाइल नंबर में भेज दिया जाएगा, वो भी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन के बाद। ये ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे थे ATM पिन जनरेशन का, वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपका मोबाइल में एक OTP भेजा जाएगा, और आप इस बार आप यहाँ पे कन्फर्म दबा दीजिए। योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज़ वेट कर लीजिए। इसके बाद ये मैसेज आपको दिखाई देगा स्क्रीन में कि यू विल रिएक्टिव योर पिन शॉर्टली थ्रू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में भेज दिया गया है और आप रिएक्टिव, ये पिन नंबर आपका रिएक्टिव हो गया। और ये जो पिन नंबर है तो आपको कोई ट्रांजेक्शन के लिए नहीं है, कोई जैसे पैसा विड्रॉ करने का, कोई मनी ट्रांसफ़र करने का, उसके लिए नहीं है। इसको आपको तुरंत ही चेंज कर लेना चाहिए। और दोस्तों मैं बता देता हूँ, जो पासवर्ड आपको, जो पिन नंबर आपको मोबाइल में मिलेगा वो 24 घंटे के लिए वैलिड रहते हैं, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है। इसलिए आप 24 घंटे के पहले उस पिन नंबर को आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। अब हम फिर पिन नंबर अपना मोबाइल में पिन आ गया है, अभी उस पिन को लेके हम अपना ATM में ही हम पिन को चेंज कर लेंगे। ATM में फिर दोबारा कार्ड को एंटर करेंगे, घुसाएंगे, और फिर बैंकिंग ऑप्शन आएगा। आपको पहले ऑप्शन मिलेगा बैंकिंग, उसमें क्लिक करेंगे, फिर आपका जो लैंग्वेज वो सिलेक्ट करेंगे, और फिर एक 10 से लेकर 99 के बीच में दो अंक लिख के आप
ये इसमें दबाइए, फिर आपका जो मोबाइल में आया था पिन उस पिन को यहाँ पे लिखिए, एटीएम पिन उसमें यहाँ पे लिख दीजिए। पिन चेंज ये ऑप्शन का चार्ट दिखाई देगा आपको लेफ्ट साइड में, जो मैंने लाल कलर से बाउंड्री करके रखा हूँ वो ऐसे ही आपको मिलेगा एटीएम के स्क्रीन के ऊपर, और आप उसमें पिन चेंज के ऊपर दबा दीजिए और फिर ऑप्शन आएगा आपको आपको नया पिन डालने के लिए। आप अपना मनपसंद पिन यहाँ पे डाल दीजिए, फिर आपको वही पिन री एंटर करना बोलेगा, आप री एंटर कर दीजिए सही पिन और योर ट्रांजेक्शन इज बीइंग प्रोसीड, प्लीज़ वेट, ये स्क्रीन में आ जाएगा। और इसके बाद आपका एक पर्ची एटीएम से निकल के आ जाएगा, उस पर्ची में लिखा रहेगा कि आपका योर पिन हैज़ बीन चेंज। दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप मैं जो दिखाने जा रहा था, जो समझाने जा रहा था, आपको समझ में आए होंगे। आप कभी भी एटीएम कार्ड का पिन जनरेट करना है तो एटीएम में जाके आप पिन जनरेट कर सकेंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।